हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चंदन श्रीवास्तव। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बाला एम एक्सपीरियंस में। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही हटके है। आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि वीडियो में मैं आप सबसे मतलब यही बोलने वाला हूँ, अब तक आप लोगों ने हेयर रिग्रोथ के लिए क्या क्या किया। जी हाँ फ्रेंड, आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझे कई सारे कॉमेंट मुझे लगातार देखने को मिलते हैं कि भाई मैंने 1 ईयर से बालायाम कर रहा हूँ। कोई बोलता है मुझे 2 ईयर्स हो गए, कोई बोलता है 8 मंथ हो गए, कोई बोलता है 5 मंथ हो गए। तो यार फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही वीडियो में आज के वीडियो यही है, आपको मैं बिल्कुल डीमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग हैं बाद में मुझे यही कहेंगे कि भाई तू तो मैं हम लोगों का दिल दुखा रहा है। तो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपका दिल दुखाने वाली बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। बस मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हेयर रिग्रोथ के लिए आप लोगों ने अब तक क्या क्या किया। तो यार देखिए, प्रोसेस कई सारे हैं, कई सारी वीडियो भी मैंने अब तक बनाई है। मुझे भी पता नहीं अभी तक मैंने कितनी वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, लेकिन काफी सारी वीडियो मेरी अपलोड है, शायद 80 से भी ज्यादा वीडियो है। यार देखिए फ्रेंड, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालायाम एक ऐसी प्रोसेस है जो बिल्कुल फ्री टेक्निक है। जी हाँ फ्रेंड, आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको शायद पता होगा कि मैं शुरू से बालायाम के बारे में ही अक्सर वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड आपको देखिए, बालायाम एक बिल्कुल फ्री टेक्निक है, जिससे आपको केवल आपको अपना समय देना है। जितना आप समय देंगे उतना ज्यादा आपको ये मतलब काफी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ हाथ में जरूर आता है। यार देखिए, ऐसा नहीं है कि बालायाम सभी के ऊपर वर्क करता हो सकता है कि 100 में से 20% लोगों के ऊपर ना वर्क करता रहे, हो सकता है 80% लोगों को रिजल्ट मिलता रहे, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो यार देखिए फ्रेंड, मैं अभी किसी को एक मुझे जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कमेंट काफी सारे कि भाई मैं 1 साल हो गया, मुझे 1 ईयर से अभी तक मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो यार देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत है, मतलब एक ही चीज के पीछे आप मत भागिए। जी हाँ फ्रेंड, आप में से काफी सारे लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप एक ही चीज के पीछे रेगुलर मत पड़िए। अगर आपने 6 मंथ या 8 मंथ के बालायाम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, आप देखिए 8 मंथ या 9 मंथ से पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाए, जैसे आपके छोटे छोटे हेयर फॉलिकल निकलने लगे, हेयर छोटे छोटे हेयर आने लगे, बिल्कुल बेबी बेबी हेयर की तरह, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर 1 साल तक आप बालायाम कर ही रहे हो, आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज यार बालायाम बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। और भी कई सारी टेक्निक है, आप वो अपनाइए। जरूरी नहीं है कि केवल आप एक एक ही टेक्निक के पीछे भागो। तो जी फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही है कि कई सारी और भी टेक्निक पड़ी है। अभी आप बालायाम के लिए समझ लीजिए, बालायाम बालायाम काफी ज्यादा फेमस है, मतलब ये है सभी लोग मतलब बालायाम। अभी तो मेरे ख्याल से हेयर ट्रांसप्लांट का ज्यादातर मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन यार देखिए, फ्री टेक्निक में आपको मैं और भी कुछ सारी चीजें बताना चाहूंगा। तो यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार जैसे कि आप देखिए, और भी कई सारी टेक्निक हैं, जैसे कि आप डर्मा रोलर का यूज कर सकते हो, आप ओनियन जूस का यूज कर सकते हो। अभी तो कई सारे जो हेयर ऑयल हैं, जब जैसे कि मैंने अभी मेरी 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंदुलेखा हेयर ऑयल के बारे में। जी हाँ प्रणा, इंदुलेखा हेयर ऑयल से भी मतलब नए नए जिनका हेयर फॉल शुरुआती दिनों में होना शुरू हुआ है, उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप नए नए आपका हेयर नया नया आपका हेयर फॉल शुरू हुआ है, तो आप इंदुलेखा हेयर ऑयल से अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। तो और भी फ्रेंड काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए डर्मा रोलर, मिनोक्सिडिल। आप देखिए, अगर मैं नेचुरली चीजों की बात करूं तो यार देखिए, पीली मधुमक्खी का ततैया का छत्ता जो होता है, शायद उसको भी लगाने से कुछ मतलब हद तक बालों की हेयर रिग्रोथ होती है। एक घमरा पौधा करके है, शायद वो घमरा पौधा के बारे में बहुत ही कम यूट्यूब पे वीडियो बना है, लेकिन अगर मुझे वो घमरा पौधा मिलेगा तो कभी ना कभी मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड, ये सब भी छोटी छोटी मतलब जो नेचुरल टेक्निक है ना, उससे भी बालों का हेयर मतलब बालों का हेयर रिग्रोथ किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, आप अगर पूरी तरह से एकदम बोल्ड हो चुके हैं, आप पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं, आपको लग रहा हो नहीं मेरी स्किन मतलब स्कैल्प बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, तो आप मतलब बिल्कुल बालायाम के पीछे मत भागिए। क्योंकि यार देखिए, आपके जैसे शुरुआती दिनों में हेयर फॉल आपका होगा, जैसे ही आपके कम बाल मतलब आपको लगेगा कि नहीं मेरे कम बाल झड़े हुए हैं, अभी अभी शुरुआत ही हो रहा है, अभी मेरी स्कैल्प दिखना शुरू हुई है, तो आप बालायाम कर सकते हैं। और उसके बाद आप डर्मा रोलर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको टेम्पल एरिया की प्रॉब्लम, जैसे मुझे कि टेम्पल एरिया की प्रॉब्लम है, लेकिन फ्रेंड मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा, मुझे कई सारे कॉमेंट ये भी देखने को मिलते हैं कि भाई पहले तू अपना तो उगा लेते। यार देखिए फ्रेंड, मैं यार आपको कितनी बार मतलब बोलूँ, मेरे मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है कि मैं यार बालों को बिल्कुल चिपका के कंघी करके रखता हूँ, इसके लिए मेरे आपको लगता है कि इसका हेयर फॉल हुआ है,
इसके तो बाल ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, बाल तो है ही, लेकिन अभी आपको मैं क्या प्रूफ, कितना प्रूफ दे, या तो हर एक वीडियो में अपने बालों को बिल्कुल उड़ा के, मतलब ऐसे लंबे बाल बिल्कुल ऐसे खड़े करके आपको दिखाऊं कि नहीं भाई मेरे पास बहुत ज्यादा बाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर यूट्यूब पे जो मतलब यूट्यूब को ज्वाइन किया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट को देख के, जी हाँ फ्रेंड, बालायाम से जो मुझे रिजल्ट मिला है उसी को देख के मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, अपनी सब पूरी बातें शेयर करना चाहता था। इसके लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो यार देखिए फ्रेंड, आप मतलब कई सारी और भी टेक्निक है उसके पीछे भागिए। डर्मा रोलर तो मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर आप डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं, उसके साथ ओनियन जूस यूज कर रहे हैं, या फिर और कोई हेयर ऑयल का यूज आप कर रहे हो, तो सबसे बेहतर मतलब यही रहता है। ये आपका जो मतलब हेयर मतलब नए नए शुरुआती दिनों में अगर आपका हेयर फॉल हुआ है, 2 से 3 साल 4 साल आपका हेयर फॉल होना शुरू हुआ है, आपकी स्कैल्प दिखने शुरू ही हुई है, तो आप इन सब चीजों पे मतलब आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। तो यार देखिए फ्रेंड, आप ये सब टेक्निक अपनाइए और अपने मतलब जो भी है आप अपने बालों से मतलब आपको जो भी आपका हेयर फॉल है, आपका स्कैल्प दिख रहा है, आप अपने गंजेपन से थोड़ा छुटकारा पाइए। तो फ्रेंड देखिए, साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि निराश यार देखिए सबसे पहले आपको मैं आपको बता दूं यार कि अगर आपको मान चलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके चल रहे हो कि यार मैं ये टेक्निक अपना रहा हूँ, मुझे बाल हेयर ग्रोथ मेरा नहीं हो रहा है, मुझे बालायाम से कुछ रिजल्ट नहीं मिला, या डर्मा रोलर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो यार निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आप सब कुछ अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो यार मैं आपको बता दूँ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट आखिरी में करवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त फेमस है, ट्रेंडिंग में है, वो दिन पे दिन सस्ता होता जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आपको मतलब काफ़ी अच्छा मतलब कुछ कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं करवाना है, काफ़ी महंगा है, या आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो यार देखिए फ्री की टेक्निक बहुत सारी हैं, वो आप अपनाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को पकड़ के आप बैठे रहिए कि ये नहीं मैं बालायाम से ही हेयर रिग्रोथ करूंगा, नहीं तो और कोई टेक्निक मुझे अपनानी ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।